संविदा और आउटसोर्स विद्युत कर्मचारियों ने अपनी मांग को लेकर तहसील कार्यालय पवई में एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के जरिए कर्मचारियों ने नियमितकरण किए जाने की मांग की है। वहीं विद्युत कर्मचारियों का कहना है कि विभागीय संविलियन के लिए पिछले कई वर्षों से अनेक पत्र ज्ञापन दिए गए, किंतु अभी तक सरकार की ओर से उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया। ऐसे में कर्मचारियों का कहना है कि अगर उनकी मांगों पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो आगामी 6 जनवरी से प्रदेश की राजधानी भोपाल में एकत्रित होकर सामूहिक कार्य बहिष्कार करेंगे और साथ ही 5 जनवरी को समस्त आउटसोर्स विद्युत कर्मचारी कार्य बहिष्कार पर रहेंगे। हमारी यह मांगे हैं कि आउटसोर्स कर्मचारियों का विभाग में संविलियन करें। वह जो हमारे बीच में हम कार्य विभाग का करते हैं, वह हमारे बीच में ठेका प्रथा है जो कि आउटसोर्स एजेंसी, उसको समाप्त करके हमें जो भी सुविधाएं हैं, जो भी नियमित कर्मचारियों की भांति सुविधाएं हमें विभाग से उपलब्ध कराई जावे और वह संविदा का नियमितीकरण करे सरकार। अगर नहीं में भी ज्ञापन व धरने के माध्यम से सरकार को चेताया, लेकिन हमारी मांगे वर्तमान तक समय तक नहीं मांगी गई है, जिस कारण से मजबूरन अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल का आगाज करना पड़ा है। वह हमारी 6 जनवरी 2023 से अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य हुए ऊर्जा विभाग के समस्त आउटसोर्स व संविदा कर्मचारी। हम लोगों की प्रमुख मांगे ये हैं कि जो आउटसोर्स एवं संविदा कर्मचारी हैं, तो जैसे संविदा कर्मचारी नियमित कर्मचारी के समान कार्य करता है, फिर भी उसे नियमित कर्मचारी के अपेक्षा आधे से भी कम सैलरी मिलती है, जबकि वो काम उससे दोगुना अधिक करता है। जैसे आउटसोर्स कर्मचारी है तो वो आउटसोर्स कर्मचारी बीच में एक ठेका प्रथा चला दी गई है, तो उसमें ठेका के माध्यम से इन लोगों को सैलरी मिलती है। ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि कंपनी से डायरेक्ट उन लोगों को सैलरी मिले, क्योंकि जो नियमित कर्मचारी से भी अधिक कार्य करते हैं तो इन लोगों का नियमितीकरण किया जाना अति आवश्यक है, ताकि जो लगन से अपना भविष्य कैरियर एवं परिवार का पालन पोषण अच्छी तरह से कर सके।